हाय गाइस, फिर मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वो ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ आप सभी को कि बिहार बोर्ड ने सेंटअप परीक्षा 2021 मैट्रिक के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनका डेट घोषित कर दिया गया है। अब देखिए, मैं ज़्यादा आपसे वक्त नहीं लेते हुए मैं आपको ये भी समझा दूँ कि 10 नवम्बर से होगी मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा, 17 से प्रैक्टिकल। अब ये जो प्रैक्टिकल देख रहे होंगे वो ये वाला नहीं, जो मैट्रिक के एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिकल वो नहीं, ये जो सेंटर परीक्षा लिया जाएगा इसी का प्रैक्टिकल देना आप सभी को। उनके बाद फिर देखिए आगे मैं बताऊँ फिर क्या कह रहा है। आगे देखिए, वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं की सेंटअप परीक्षा 10 नवंबर से शुरू होगी। थ्योरी की परीक्षा 10 से 13 नवंबर तक होगी, वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा 17 व 18 नवंबर को होगी। इस बार इंटर सेंटअप की तरह ही मैट्रिक सेंटअप के लिए भी बोर्ड स्तर से कॉपी तैयार की गई है। परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब तक स्कूल स्तर पर यह परीक्षा होती थी, पहले जो थी ये परीक्षा स्कूल स्तर पर होती थी, लेकिन अब की बार जो है बिहार बोर्ड ने बहुत बड़ा फैसला और निर्णय लिया है कि अपने से ही वो, मतलब बिहार बोर्ड के तरफ से ही वो सेंटर परीक्षा की क्वेश्चन तैयार करके भेजेंगे। जैसे पहले स्कूल ही क्वेश्चन तैयार करते थे, उनके बाद इस बार बोर्ड ने प्रश्न पत्र भेजा है, या प्रश्न पत्र जिला शिक्षा कार्यालय में भेजा जाएगा, इसको लेकर डीओ को निर्देश दिया गया है। उनके बाद फिर देखिए आगे हैं, इस तरह से परीक्षा की रूटीन बनाई गई है। 10 नवंबर को होगी पहली पाली में विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, दूसरी पाली में गणित यानी मैथ होगी आप सभी का, मतलब दोनों पाली में एग्जाम चलेगी। उनके बाद 11 नवंबर को पहली पाली में सामाजिक विज्ञान और दूसरी पाली में अंग्रेज़ी को रखा गया है। 12 नवंबर पहली पाली में मातृभाषा, दूसरी पाली में द्वितीय भारतीय भाषा, यानी पहली पाली में हिंदी होगी और दूसरी पाली में भारतीय भाषा या संस्कृत हो सकता है। उनके बाद 13 नवंबर को पहली पाली में ऐच्छिक विषय जो आप सभी ने रखा है। उनके बाद 2 दिन आयोजित की जाएगी प्रायोगिक परीक्षा, यानी प्रैक्टिकल के लिए 2 दिन आयोजित की जाएगी आप सभी को, 17 या 18 को लेगा, कंफर्म नहीं कि 17 को ही लेगा। उनके बाद फिर आगे देखिए, दिशा निर्देश जारी ये किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा आप सभी को। बिहार बोर्ड ने परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और बिहार बोर्ड, मतलब के स्कूल के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखने का बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है और दी जाएगी आप लोगों को। इसीलिए सबसे ज़रूरी तो हम सबों को, अगर हम सब ने ठान लिया कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है तो हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं। अगर हम सब ने ठान लिया कि नहीं करना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी तरह स्कूल सभी में सारी तैयारी कर दी गई है कि किस तरह कैसे करना है क्या करना है। उनके बाद चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरे इस चैनल इस्लामिक रीजनिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर